देखिए आज हम बाकी जगहों पे भी जा रहे हैं जो प्रोजेक्ट्स ऑन गोइंग हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि 50 से ज़्यादा हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑन गोइंग हैं, उनको देखने के लिए जा रहे हैं। उनकी प्रोग्रेस कैसी है, क्या हमें टाइमलाइन नज़र आती है और कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं है जो कॉन्ट्रैक्टिंग एजेंसी है उसको, तो अभी पहला हमारा बलिदान स्तंभ है जिस पे हम आए हैं। जो वर्क का पेस है वो अच्छा चल रहा है, ठीक स्पीड पर चल रहा है और हमारी कॉन्ट्रैक्टिंग एजेंसी से भी बात हुई, वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है टाइमलाइन के हिसाब से पूरा हो जाएगा। सर ये बिटवीन गोनीखंड टू अदर एरिया ऑफ यू नो बैंक्स ऑफ रिवर, तो उसका काम कहाँ तक पहुँचा है अभी? जहाँ तक मेरे नॉलेज में है उसका भी काम शुरू हुआ है, आज हम रिव्यू कर लेते हैं उसको भी और फिर आपको अपडेट कर देंगे। सर जैसे कि 58 प्रोजेक्ट्स के आपने बारे में आपने बात की, ओवरऑल अगर श्रीनगर की बात करें क्या लग रहा आपको कि जो स्मार्ट सिटी के अंडर प्रोजेक्ट्स आ रहे थे कितना परसेंट काम जो है उनका कम्प्लीट हो पाया है? आप देख लीजिए हमारे जो जितने प्रोजेक्ट्स पहले लिए गए थे फर्स्ट फेज में वो 90 थे, तो 95 से प्लस तो वैसे ही कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद एडिशनल प्रोजेक्ट्स लिए गए वो 58 है। आप अगर बाकी जगहों से भी कंपेयर करेंगे, आप खुद जानते हैं कि श्रीनगर स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत ही बेहतरीन हैं, मैं कहूँगा वो मेरे ख्याल से नंबर वन रैंक करेंगे और ये पूरा क्रेडिट हमारी टीम को जाता है। हमारे मेरे आने से पहले यहाँ पे बहुत अच्छा काम हुआ है, हमें उम्मीद है कि हम उसी पेस पे आगे काम रखें। अभी जहांगीर चौक के इलाके में अभी खुदाई हो रही है, तो वहाँ क्या अभी तामीर करना चाह रहे हैं? वहाँ पे देखिए उसको ट्रैफिक जो वहाँ एरिया में रहता था उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए उस एरिया को डेवलप कर रहे हैं और जब वो बन के सामने आएगा आप देखेंगे कि उससे जो हमारा ईज़ है मूवमेंट का वो और बेटर हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक आखिरी सवाल, अभी प्रेडिक्शन की गई है कि यहाँ पर बर्फबारी होगी, तो उसके लिए क्या प्रिपरेशन है एसएमसी की तरफ से? हमारी उसमें पूरा हमने रिव्यू किया था, हमारी तैयारी पूरी है, हमारे वार्ड वाइज हमने डिवाइड किया है हमारे पास जो मशीनरी है उसको, और वो तैनात की हुई हैं, जैसे ही ज़रूरत पड़ेगी वो एक्शन में आ जाएंगी। किसी तरह की कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, कंट्रोल रूम हमारा बना हुआ है और जो सड़क है या पानी की सप्लाई है बाकी चीज़ें हैं उसकी हमारी पूरी कोशिश है कि कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर कभी सर कई जगहों पर जो है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स जो काम तामीर किए गए हैं, लेकिन कहीं पर लोग जैसे कि हाल ही में हमने देखा कि बुलवाड़ की अगर बात कर जो प्रोजेक्ट अंजाम दिया गया वहाँ पे उस प्रोजेक्ट के बारे में या उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड आम आवाम की जानिब से या पब्लिक की जानिब से उस प्रॉपर्टी को डैमेज पहुँचा गया। एक साइड से एसएमसी की अगर बात करें बाज़ब्ता तौर पर लगी है कि स्मार्ट सिटी को खूबसूरत बनाएं, श्रीनगर को खूबसूरत बनाएं, आवाम के लिए क्या मैसेज रहेगी क्योंकि वहाँ पर जो लाइटिंग की गई थी उसमें कई सारे ऑब्जेक्शन आए और लोगों की तरफ से उसको डैमेज भी देखने को मिला था? देखिए अगर कोई भी प्रॉपर्टी बनती है स्मार्ट सिटी में बनती है, एसएमसी बनाते हैं, आरएनबी बनाते हैं या यूईडी कुछ काम कर रहे हैं, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक के ही जनता के पैसे से बनती है, जनता की सहूलत के लिए बनती है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम उसका जुडिशियस यूज़ करें, हम उस चीज़ को प्रोटेक्ट करके रखें। और मैं आपको बता रहा हूँ इन्हीं सब प्रोजेक्ट्स की वजह से आज जो श्रीनगर सिटी है इतना ब्यूटीफुल नज़र आता है, इसकी एक पहचान है, तो हमें इस चीज़ को और ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखने की ज़रूरत है। शुक्रिया। जो है वो मैक्सिमाइज नहीं किए गए हैं, तो आने वाले दिनों में हम एक्सपेक्ट करें कि बिल्कुल मैग्नमाइजेशन का मौसम जैसे ही ठीक हो जाता है हम मैग्नमाइज करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।